देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। विभू, तुम्हें मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही। तुम चिल्ला क्यों रही हो लेकिन यार? मैं तुम्हें अब एक फासले पे जाकर आवाज दूंगी, तुम मुझे बताना कि तुम्हें मेरी आवाज कैसी सुनाई दे रही है। हाँ डन। ओके ओके। विभू, तुम्हें मेरी आवाज अभी आ रही है साफ साफ? गा रही है? कौन गा रही है? अरे गा नहीं रही है, मेरी आवाज कैसी सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है। हाँ तो आ रही, चिल्ला क्यों रही है लेकिन तुम यार? आ रही है आवाज। अरे धीरे बोलो तो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और जोर से बोलो तो बोल रहे हो, चीख क्यों रही है? हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारी भीख में पल रहा हूँ। खाने मत दो मुझे कि मैं तुम्हारी भीख में पल रहा हूँ। हाँ पल रहा हूँ तुम्हारी भीख पे। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। सहा? तुमने क्या सहा? जो मैंने सहा, 10 साल से सह रहा हूँ। सहने की बात कर रही हो तुम? ओह गॉड, तुम्हारे तो कान का भट्टा बैठ गया है। क्या तुम्हारा खट्टा खाने का दिल कर रहा है? ओह माय गॉड, वी हैव अ गुड न्यूज। भला है बुरा है जैसा भी है, हमरा पति हमरा देवता है। मैंने कहा हेलो भाभी जी। आ हेलो भरभूति जी, हाउ डू डू, आई लव यू टू। हदिया, ये क्या बोल रहे हैं? अभी आपने कहा ना कि आई लव यू। हम ऐसा काहे बोलेंगे और आप ऐसा कैसे गलत सुन सकते हैं? भाभी जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। आपके लड्डू के भैया ने इतनी जोर से चमाट मारी मेरे कान के नीचे कि कान की सेटिंग हिल गई है और पत्ती बुझ गई है। हाय दिया, हमको ये बात का ना बहुत बहुत अफसोस है। हाँ खरगोश, आपके पास खरगोश है? दिखाइए। आपने दिखाया नहीं कभी खरगोश अपने? हाय दिया, खरगोश कहाँ से आ गए? अब हमारे पास कोनो खरगोश नहीं है, हम अफसोस बोल रहे हैं। मदहोश तो आप हैं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अभी आपने कहा ना कि आप मदहोश हैं। मदहोश नहीं, अफसोस, अफसोस, अफसोस। भाभी जी इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं, यू नो कान। हाँ समझ सकते हैं हमको जानकर बहुत बहुत दुख हुआ। हाँ कि लड्डू के भैया आपके कान के नीचे इतना जोर का लगाए रहे कि ये हाल हो गया आपका। भाभी जी आपकी कंसर्न और आपकी हमदर्दी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली 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 ओवरवेल्म्ड। हाँ तो कहा है, आप हमारे पड़ोसी हैं ना, तो बुरा तो लगता ही है ना। अच्छा भाभी जी ये बताइए कि आज आपको ज्यादा ही चहक रही हैं, आपके चेहरे से टप 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 नूर टपक रहा है, क्या बात है भाभी? कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, बताइए ना बताइए ना। आई दिया हमको शर्म आता है। भरम? किस बात का भरम आपको भाभी जी? भरम? इनका खान तो पूरा ही क्या लगता है। शर्म 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 शर्म। ओके ओके आई गॉट इट भाभी जी, इतना बेरा नहीं हूँ। मैं कह रहा था भाभी जी कि ये मेरी मिस्टेक नहीं, आप तो जानती हैं, देखिए कान गया है मेरा। ये बताइए कि रात को ऐसा क्या हुआ था जिसका नशा अभी तक आप पे तारी है? उका है ना कि कल पूरा रात लड्डू के भैया हमारे साथ शरारत किए। बगावत की? लड्डू के भैया ने बगावत कर दी आपके साथ? कछु भी बोलते हैं आप, चुप कीजिए। ऐसा हम ये बोल रहे हैं कि लड्डू के भैया कल रात हमारे साथ रोमांस किए। रोमांस? डांस किया आपके साथ? ये आदमी बारात में पैदा हुआ था क्या? रात को उठ के नाचने लगता है, ही स्टार्ट्स डांसिंग इन द नाइट, इज इट क्रेजी? मुझे खाट की जरूरत नहीं है, मे बी लेटर कुर्सी चलेगी। मैं कान में डाल ले राई का तेल। भेल? वो तेरे अब्बा को बोल तेरी माँ को खिलाएगा भेल। भाभी जी चली गई, बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। ओह गॉड मीनल, पता नहीं क्या हो जाता है सारे के सारे कानपुर के रिक्शे वालों को। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ रिक्शा, एक रिक्शा वाला नहीं दिख रहा है। सुन तेरे पास उधर कोई रिक्शा दिखाई दे तो भेजना इधर, है ना? हेलो हेलो भाभी जी, हेलो हेलो। भाई जी हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ मैं मनमोहन तिवारी। तो क्या करूं, नाचूं?
भाई जी आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारी क्या हैसियत की ही? आप हमारे लिए नाचे, बल्कि आप हुक्म कीजिए हम आपके लिए नाचते हैं। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, नाइस। भाई जी हमसे क्या भूल हुई जो आप खफा हो बैठी? आपने विभू को थप्पड़ क्यों मारा? आपको पता है आपने इतनी जोर से थप्पड़ मारा है कि उसके कानों में सीटियां बज रही हैं। भाई थप्पड़ मारेंगे तो सीटियां नहीं बजेगी, हारमोनियम तो नहीं बजेंगे। क्या कहा आपने? नहीं बाप, हमारा मतलब ये भाभी जी कि उन्होंने कुछ बात ही ऐसी कर दी थी कि क्या कहा था, क्या बात कर दी थी ऐसी? भाभी जी हम आपको बताना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि भभूति जी की तरफ हमारे कुछ पैसे बकाया थे, तकरीबन 50,000 रुपए। तो हमें जरूरत आन पड़ी, हमने मांग लिए, तो उन्होंने जवाब में हमारी बेइज्जती कर दी। भाभी जी अब आप ही बताइए, कोई आदमी अपने पैसे मांगता है और सामने वाला बेइज्जती कर दे तो गुस्सा तो आएगा ना भाभी जी? तो तिवारी जी आपको इतनी जोर से गुस्सा आएगा कि आप उसके कान के पर्दे हिला देंगे? अब भाभी जी इस बात को तो एहसास नहीं है कि हमने जोर से मारा था या धीरे से मारा था, लेकिन इतना जरूर पता है कि मारा था। तिवारी जी आपने ज्यादा दबंगे मत झाड़िए, क्योंकि जिस दिन आपको कोई सवा शेर मिल गया ना तो सारी दबंगई धरी की धरी रह जाएगी। ओ, 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 ओ। आराम से दबा मेरे बेटे, सारा गुस्सा पैरों पर ही निकाल देगा क्या? अगर हमें जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो तेरे ये पल्ले उखाड़ देंगे बेटे, पल्ले, समझा? अरे ये तूने क्या किया मेरे बेटे, तूने तो हमारा खून ही निकाल दिया। नहीं नहीं बेटे तुझे पता है अरे अरे ये खून कितनी मुश्किल से बनता है? हाँ इंसान बड़े बड़े होटलों में जाकर महंगे से महंगा खाना खाता है, ये खाना पेट में जाकर 99% मिट्टी बन जाता है, फिर जो बचता है 1% वो खून बनता है। लेकिन बेटे यहाँ तो खून बना ही नहीं और तूने तो 10 बूंदे वेस्ट कर दी मेरे बेटे। चलो फिर इसका हिसाब किताब बाद में करते हैं। मामा अरे सेठ जी, विभूति सेठ गली पकड़ रहे हैं। अरे अरे विभूति जी, अरे ना दुआ ना सलाम जनाब, निकल रहे हैं ऐसे ही। नहीं वो आपकी तरफ मेरा ध्यान 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 नहीं गया। आजकल आपका ध्यान बहुत भटकने लगा है, है? मेरा कान देखने लगा है, मुझे गरम गरम महसूस तो नहीं हो रहा है। लेकिन तिवारी सेठ जी कह रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान आजकल बहुत भटक रिया है, भटका भटक रिया है। नहीं नहीं ऐसी 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 तो कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है तो फिर दुआ सलाम ठोक के जाते। मैं आप पे थूकूंगा, ये तो बड़ी बदतमीजी होगी। समझाओ यार। चूस मी विभूति भैया, तिवारी भैया को आपने क्या वो डस्टबिन कचरा पात्र समझ रखो है? जहाँ पे थूकोगे आप, हाथ थूक। ओहो इतना बकवास करा बे, हमने कहा कोई दुआ सलाम ना किया आपने। I'm really sorry, मेरा ध्यान नहीं गया आपकी तरफ। I'm sorry. तो इसकी सजा तो मिलेगी। मजा कैसा मजा देंगे आप मुझे? अरे तिवारी सेठ को क्या छमिया समझ रखा है जो मजा देंगे?
तिवारी सेठ जी कह रहे हैं सजा देंगे, सजा। सजा? कैसी सजा? सुना है आप बहुत कटीली नचनिया हैं। अरे मालिक, भूप सिंह मां साहब है ना, वाके साले की शादी में है ना, जाने बड़ो अच्छो डांस कर रहे तो। हाँ, ये मचक मचक ये करके वहां पे जो नचने आया है थी ना गुलाबो, भाभी शर्मा गई जाको नाच देख के। तब तो वाकई बहुत कटीली नचनिया है, वही दो चार ठुमका हमारे लिए भी लगा दो। नहीं, झुमका झुमका कहाँ पहनता हूँ, मैं तो आदमी हूँ ना, मैं तो झुमका नहीं पहन सकता ना। वो ठुमका लगाने के लिए कह रहे हैं, झुमके के लिए नहीं। झुमका तो गिर चुका बरेली के बाजार में, तुम ठुमका लगाओ। ठुमका नहीं, मुझे तो नाचना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू डांस। नाच नहीं तो टांगे तोड़ के हाथ में दे देंगे। नाच। थैंक्स बेबी। वैसे वाकई में बहुत कटीली नचनिया हो तुम। हिंदी ऐसी बातें करोगे? हाँ क्यों, मेरा कहा बुरा लग रहा है तुम्हें? और जब तिवारी जी ने सरेआम अपने घर के बाहर तुम्हें नचवाया, उसका क्या, उसका बुरा नहीं लगा? बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। तो फिर उलट के जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नाचते रहे? मजबूरी थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या मजबूरी थी? तुम जानती हो सब, फिर क्यों पूछ रही हो यार? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जानती हो तिवारी जी का दिमाग चल गया है आजकल, किसी से कई बदतमीजी कर लेते हैं वो। मालूम है मुझे। तो फिर क्यों बोल रही है ऐसी बातें? अगर मैं उनकी बात ना मानता तो वो मुझे सरेआम पीट देते, मेरी बदतमीजी करते मेरे साथ, मुझे जलील करते सबके सामने। तो तुम्हारे हाथ कहाँ होते, तुम्हारे पैंट के पीछे वाली जेब में? अगर मैं उनसे उलझ जाता ना तो बात बढ़ सकती थी। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे जुल्म सहने की आदत हो गई है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं चाहता तिवारी जी को धो सकता था, रगड़ रगड़ के धो सकता था, लेकिन मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते। उफ़, तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्शों का ढोंगना मेरे सामने मत करना, बिकॉज आई नो योर कैरेक्टर। जैसे ही तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी पोल खुलने वाली है, तुम फटाफट अपने उसूलों और आदर्शों की ना लुंगी पहन लेते हो, लुंगी। तुम भरत इल्जाम लगा रही है मुझ पर, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं डरपोक नहीं हूँ। डरपोक नहीं हूँ ना? पक्का? हाँ पक्का। ओके, तो एक काम करो, तुम अभी के अभी तिवारी जी के घर जाओ। तिवारी जी के घर क्यों जाओ? इतना क्यों हकला रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, तुम तिवारी जी के घर जाओ, उनकी बेल दबाओ, और जैसे ही तिवारी जी दरवाजा खोले, उनके कान के नीचे एक रेप्टा लगाओ। अजय तुम बेतुकी बात कर रही हो यार, मतलब मैं उनके घर जाऊं, ना दुआ ना सलाम, सिर्फ थप्पड़ मारूं? मतलब यार ये मेरे संस्कार में नहीं है, सब मेरे कल्चर में नहीं है। I can't do this. Excuse me, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे ये संस्कार गए ना वो कौन से खेत में? गन्ने के खेत में? नहीं, सरसों के। ओके, घुइयां के खेत में। जी हाँ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम भी मुझे ब्लैकमेल कर रही तिवारी जी की तरह, तो तुम्हें तिवारी जी में क्या फर्क रहा? सबसे बड़ा फर्क ये है ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए मैं कर सकती हूँ। इसलिए फटाफट उठो, अभी कभी जाओ, गो। यार ये देखो, तुम गलत कर रही हो मेरे साथ, इस इज नॉट डन। मैं एक से दस तक गिनूंगी, अगर तुम यहाँ से नहीं उठे ना
तो फटाफट अपना बोरिया बिस्तर रोल कर लेना और निकल लेना, क्योंकि मैं नचनिया के साथ नहीं रह सकती। यार तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए? विभो, तुम्हारे तरकश में कितने भी तीर हो उनमें से कोई काम नहीं आने वाले, इसलिए उठो, जैसा बोल रहे हो वैसा करो, जाओ, गो। क्या कर रही बेबी? देख रही हूँ कि कहीं तुम्हारे हाथों पे लकवा तो नहीं मार गया। कछुआ? किसने मारा कछुए को? कछुआ नहीं, लकवा। लकवा तो नहीं मार गया? कैसी बातें कर रही हो यार तुम? तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? कैसे हरकतें कर रहा हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार। एग्जैक्टली, तुमने कुछ किया ही तो नहीं, जो किया तिवारी जी ने किया। इतना मार रहे थे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कैसे 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 खिलाता कबाब उनको? इज अ वेजिटेरियन मैन। कबाब? जवाब जवाब क्यों नहीं दिया? बेबी यही तो रोना है, उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, मेरे कान में सीटी बजी, मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, फिर उन्होंने गुस्से मेरी तरफ देखा, फिर मैं अपना गुस्सा पी गया। मेरे हाथ पे ढीले पड़ गए और जो पैर थे ना कीर्तन करने लगे, मैंने सरेंडर कर दिया उसी वक्त। तुम्हें तिवारी जी की शक्ल देख के डर लग रहा था? यस Yes, of course. उनकी शक्ल देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। Now I got the point. Tell me the point. तुम्हें तिवारी जी की शक्ल देख के डर लगता है ना? हाँ भाई हाँ। अब तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध के जाओगे, ना तुम्हें उनकी शक्ल दिखाई देगी ना तुम्हें डर लगेगा। वो जैसे दरवाजा खोलेंगे तुम उनके कान के नीचे चपटाटे डर दे देना बस। हाय हाय क्या सीन है यार, ये सीन देख के तो हमारा मूड बन गया। एक काम करते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं और अंगूरी के साथ ये सीन शुरू करते हैं, ये सही रहेगा। अंगूरे कहाँ पगले? आ रहे हैं लड्डू के भैया। अंगूरे अब
अरे आओ ना जल्दी आओ। अक्का हुआ वो आज हम ना ही आएंगे, हम नीचे ही सो रहे हैं। नीचे काहे सो रही हो तुम? हमारा मन कर रहा है नीचे सोने का। लेकिन हमारा मन तो रोमांस करने का कर रहा ना बगली। नहीं, हमारा रोमांस का बिल्कुल मन नहीं आज। अच्छा चलो हम भी देखते हैं कैसे मन नहीं है तुम्हारा रोमांस का। आओ ना पगली आओ। अरे काका भैया जल्दी से पगली देखो रोको अरे मूड नहीं है तो हम मूड बना देंगे ना पगली अकाल डुकी भैया